welcome to Ultimate Biology. Today we are going to learn sex determination in honeybee. This is a sex determination in honeybee. It is a type of haploid diploid mechanism of sex determination. This is a sex determination, means who determine the sex of a progeny of a child. In previous video, sex determination part 1, we have seen in case of a human male is 100% responsible for the sex of child. But in case of a bird, female is responsible for the sex of child. Why? Because in case of a human male, it produces two type of sperm. 500,000 sperms carry X chromosome and 500,000 sperms carry Y chromosome, sex chromosome, along with the autosomes. So human male is heterogametic and human female is homogametic, due to which human male is 100% responsible for the sex of progeny, for the sex of that child. लड़का होगा या लड़की होगी, ये human male के ऊपर depend है, ये हमने previous video में देखा था. But in case of a bird, female is responsible for the sex of progeny, because in case of birds, female consists of two type of sex chromosome along with autosomes, and female lay two type of like this egg. दिखने के लिए ऊपर से एक ही टाइप के दिखते हैं, लेकिन अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं उस एग्स के अंदर. इन केस ऑफ बर्ड, फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक एंड मेल इज होमोगैमेटिक. सो इन केस ऑफ अ बर्ड, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड. यानी इन ऑर्गेनिज्म सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर, दैट अ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड. एक्स सेक्स क्रोमोसोम एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम. एक्स एक्स आता है तो फीमेल बनती है, और एक्स वाई अगर आता है तो दैट मेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मेल प्रोजेनी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ह्यूमन. एंड इन केस ऑफ बर्ड, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ लाइक दिस सेक्स डिटरमिनेशन इज देयर. तो ऐसे अलग टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन हमने देखे हैं प्रीवियस वीडियो में. एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, देन जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, एक्स जीरो टाइप ऑफ लाइक दिस सेक्स डिटरमिनेशन. बट हियर इन केस ऑफ दिस हनी बी और दिस हाइमेनोप्टेरस, दिस इंसेक्ट हनी बी रैप्स, नेक्स्ट दैट इज एंट चिटिया जो है, एंड सॉ फ्लाइज. दिस ऑल ऑर्गेनिज्म, हनी बी रैप्स एंट्स एंड दिस सॉ फ्लाइज, दे शो हैप्लोइड हैप्लोडिप्लोइडी, और वी कॉल इट एज हैप्लोइड डिप्लोइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. मीन्स हैप्लोइड इन केस ऑफ दिस हनी बी, 32 क्रोमोसोम्स आर देयर. इन केस ऑफ ह्यूमन 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, आउट ऑफ विच 44 आर द ऑटोसोम विच कैरी दिस ऑल ऑटोसोमल कैरेक्टर, एंड टू आर द सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल एक्स वाई एंड इन केस ऑफ फीमेल एक्स एक्स लाइक दिस. बट इन केस ऑफ हनी बी दिस आर 32 क्रोमोसोम्स विच आर देयर, दिस ऑल 32 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स. देर इज नो सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ दिस हनी बी, इनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता. 32 लाइक दिस क्रोमोसोम्स आर देयर, ऑल आर ऑटोसोमल इन नेचर. हैप्लोइड यानी ये 32 क्रोमोसोम जो है, इनमें से बाय मियोसिस सेल डिवीजन, व्हेन मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस लाइक दिस 16 क्रोमोसोम्स कम्स एंड लास्टली लाइक दिस 16 लाइक दिस क्रोमोसोम्स कम. तो हैप्लोइड का मीनिंग ये होता है कि क्वीन जो है या जो हनी बी है, व्हेन इट ले द एग, अगर उस एग में 16 क्रोमोसोम्स आते हैं एंड इफ दैट एग्स आर अनफर्टिलाइज्ड एग, इफ देयर इज देयर इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस
in such eggs, and from such eggs, the progeny which is formed, that progeny is haploid in nature, and that progeny which is formed, that is a male, like this is a male. यानी 32 क्रोमोसोम्स है हनी बी के अंदर और 16 क्रोमोसोम वाले जो एग्स है उससे मेल बनते हैं. ऑन द अदर हैंड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ दिस सेक्स डिटरमिनेशन मींस डिप्लॉइड दिस आर 32 क्रोमोसोम्स दिस वन 32 क्रोमोसोम्स दिस वन इज डिप्लॉइड इन नेचर मींस इट इज अ 2n एंड बाय मियोसिस सेल डिवीजन जो भी अंडे बनते हैं उस अंडे के अंदर 16 क्रोमोसोम्स कम्स मींस दैट इज ओनली एन. एन मींस हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स एंड 2n मींस दैट इज डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स. फ्रॉम दिस डिप्लॉइड क्वीन हैप्लॉइड एग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड फ्रॉम दिस अनफर्टिलाइज्ड एग मेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस दैट इज हैप्लॉइड एंड सेकंड दैट इज डिप्लॉइड. ये डिप्लॉइड टाइप का मैकेनिज्म है. इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन क्रोमोसोम नंबर कम्स टू 2n. ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर और उससे जो हनी बी बनती है देन इट फॉर्म्स ए वर्कर बी और जो हनी बी बनती है दैट प्रोजेनी विच इज फॉर्म दैट इज अ डिप्लॉइड इन नेचर. इसलिए इसको कहा है डिप्लॉइड. हैप्लॉइड मेल बनते हैं हैप्लॉइड से. डिप्लॉइड से दिस फीमेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर इन केस ऑफ दिस हनी बी. हैप्लॉइड forms a male, diploid forms female in case of honeybee, due to which we call it as a haploid diploid mechanism of sex determination. Haploid diploid like this. यानी कहने का मतलब ये है कि honeybee जो है मधुमक्खी जो है मधुमक्खी में इन केस ऑफ दीज रैप्स इन केस ऑफ दीज एंट्स एंड इन केस ऑफ दीज सॉ फ्लाइज सेक्स डिटरमाइन बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सीएसडी वी कॉल इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटरमिनेशन जीन विच इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम. Complementary sex determination gene and the number of chromosome determine the sex of progeny. Honeybee के अंदर male और female जो बनते हैं वो chromosome के संख्या के ऊपर depend है ना कि sex chromosomes के ऊपर. Male formation takes place by haploid chromosome and female formation takes place by diploid chromosomes. Now see here in case of honeybee, three type of bees are there. तीन प्रकार की मक्खियां होती है. One queen, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक ही रानी होती है queen. And second we call it as a drone. And third one, this one we call it as a worker. ऐसे तीन टाइप की मक्खियाँ एक छत्ते में हमको मिलती है. एक सबसे बड़ी जो मक्खी होती है वी कॉल इट एज अ क्वीन. उससे बड़ी जो मक्खी होती है सबसे बड़ी दैट इज अ क्वीन. और उससे कम आकार की जो मक्खी होती है उसे कम साइज वाली वी कॉल इट एज अ वर्कर. और तीसरी जो होती है वी कॉल इट एज अ ड्रोन. इनमें से क्वीन दिस वन क्वीन एंड ये वर्कर जो होते हैं दिस क्वीन एंड वर्कर्स ये फीमेल है. और ड्रोन सबसे छोटी मक्खी जो होती है मधुमक्खी में वो ड्रोन कहलाती है. लाइक दिस आर थ्री टाइप ऑफ लाइक दिस हनी बी दे आर प्रेजेंट इन वन हैव. एक मधुमक्खी का जो छत्ता है एक मधुमक्खी के छत्ते में लाइक दिस ओनली वन क्वीन इज प्रेजेंट. उसका यहाँ पे अपना घर होता है एंड यहाँ जेली मटेरियल स्टोर करते इन दिस पोर्शन. नेक्स्ट ये क्वीन जो है ये फीमेल है. देन यहाँ जो होते हैं वी कॉल इट एज अ वर्कर दैट वर्कर आल्सो फीमेल. और छोटी छोटी मक्खियाँ यहाँ प्रेजेंट होती हैं. यहाँ
दैट वी कॉल इट एज अ ड्रोन. क्वीन एक ही होती है, दैट इज अ फीमेल. देन वर्कर्स, ये वर्कर जो है यहाँ काफी होते हैं, दैट इज ऑल्सो फीमेल. क्वीन डिप्लॉयड इन नेचर कंसिस्ट ऑफ 32 क्रोमोसोम्स. एंड वर्कर्स, जो वर्कर्स है दैट इज अ फीमेल, ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्वीन 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड ड्रोन विच इज देयर, इट कंसिस्ट ऑफ 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. लाइक दिस, ये ड्रोन मेल है, मेल. दीज ड्रोन्स आर मेल एंड फीमेल एंड वर्कर्स. ये फीमेल, सॉरी, दीज अ क्वीन एंड दीज वर्कर. क्वीन और वर्कर, ये फीमेल है, दो मक्खियां, और एक ड्रोन जो है दैट इज अ मेल, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें क्वीन रानी, ये फीमेल है. वर्कर्स, ये सब के सब फीमेल्स है, काफी मात्रा में होते हैं. और ड्रोन्स जितने भी उसके अंदर होते हैं, दैट ड्रोन्स दे ऑल आर मेल. ड्रोन्स जो होते हैं मेल, दे फॉर्म बाय अनफर्टिलाइज्ड एग. यानी रानी जो है, इट ले द एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग. एंड रानी जो है उनके शरीर में बाय द प्रोसेस ऑफ दैट मियोसिस सेल डिवीजन, बाय दैट ऊजेनेसिस, बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, 32 क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू लाइक दिस हाफ. मियोसिस इज द रिडक्शनल सेल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. 32 के 16 क्रोमोसोम्स यहां आते हैं. ऑल क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोमल इन नेचर, देयर इज नो सेक्स क्रोमोसोम. देन अगेन सेकंड मियोसिस सेल डिवीजन गेट कंप्लीट हियर. एंड हियर वन इंपॉर्टेंट फिनोमेना टेक्स प्लेस, वी कॉल इट एज रेप्लिकेशन, और वी कॉल इट एज डुप्लीकेशन. 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हियर. इसके 16 जो क्रोमोसोम्स है, इसके डबल होते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ 32 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं बाय दिस फिनोमेना रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन. हियर ऑल्सो दिस 16 क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स और डुप्लीकेट्स, और यहाँ 32 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं यहाँ पे इन द इंटरफेस. एंड देन 32 के 16 यहाँ आते हैं, 16 यहाँ आते हैं, 16 यहाँ आते हैं, 32 के 16 यहाँ, 16 यहाँ. मियोसिस इज द रिडक्शनल सेल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. 32 अगर क्रोमोसोम्स है, तो व्हेन मियोसिस सेल डिवीजन से ऐसे एक सेल से चार सेल बनते हैं, तो उसमें 16 16 16 16 लाइक दिस क्रोमोसोम्स कम्स. इन केस ऑफ दिस हनी बी, रानी जो है वो डिसाइड करती है कितने ड्रोन्स को बनाना है. एंड रानी जो है वो अनफर्टिलाइज एग अंडों को देती है. एंड फ्रॉम दिस अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ड्रोन दैट इज द मेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. 2n में से ओनली एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 32 में से 16 क्रोमोसोम्स होते हैं. ऐसे अंडे होते हैं जिसके अंदर हाफ यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर, 32 के आधे, 16 लाइक दिस. एंड फ्रॉम दिस अनफर्टिलाइज्ड एग द प्रोजेनी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. उससे जो प्रोजेनी बनती है दैट इज अ मेल, वी कॉल इट एज अ ड्रोन विच इज हैप्लॉइड इन नेचर. ड्रोन मेल, हैप्लॉइड इन नेचर, दैट इज अ मेल प्रोजेनी. लाइक दिस हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, लाइक दिस हैप्लॉइड ड्रोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ दिस हनी बी. दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज पार्थेनोजेनेसिस. व्हाट इज इट? पार्थेनोजेनेसिस. नाउ सी हियर, विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, इफ प्रोजेनी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इंडिविजुअल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देन वी कॉल इट एज पार्थेनोजेनेसिस. रिप्रोडक्टिव दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, ये चैप्टर के अंदर हमने पार्थेनोकार्पी करके देखा था. कार्पी, कार्पी दैट इज अ कार्पेल. कार्पेल इट इज अ वन मेंबर ऑफ गायनोशियम. गायनोशियम ये फूल के अंदर होता है, इनर मोस्ट व्रल ऑफ द फ्लावर.
और ये कार्पी जो है कार्पी विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ अ फ्रूट फॉर्मेशन इज देयर, बिना फलन होते हुए अगर फल बनता है वी कॉल इट एज अ पार्थेनो कार्पी, कार्पेल रायपन होता है, फ्रूट बनता है। एंड विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इफ द प्रोजेनी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वी कॉल इट एज अ पार्थेनो जेनेसिस, जेनेसिस इन केस ऑफ एनिमल, पार्थेनो कार्पी कार्पेल इन केस ऑफ प्लांट लाइक दिस। सो इन केस ऑफ दिस एनिमल, इन केस ऑफ दिस हनी बी, इन केस ऑफ दिस इंसेक्टा ग्रुप दिस हनी बी, विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन लाइक दिस मेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस एग, विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ सच अ टाइप ऑफ मेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस दैट इज अ ड्रोन मेल which is haploid in nature, this process we call it as parthenogenesis. In case of honeybee, like this haploid male drone formation takes place. Now see here, this haploid drone, which consists of 16 number of chromosomes like this. And queen, यहाँ दो जगह queen लिखा है like this. वो आपको समझाने के लिए लिखा है। एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही क्वीन होती है और बाकी ये वर्कर्स होते हैं। क्वीन के शरीर में 32 क्रोमोसोम्स है और वर्कर के शरीर में भी 32 क्रोमोसोम्स है, बोथ आर डिप्लॉयड, बोथ आर फीमेल। लेकिन क्वींस कैसे बनती है मधुमक्खी के छत्ते में? व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग हैच, जब फर्टिलाइज्ड एग हैच होता है, लार्वा बाहर निकलता है और वहां जो वर्कर्स है, जो फीड करने वाले वर्कर्स है, नर्स वर्कर्स कहा जाता है उनको, उनमें से जो अच्छा लार्वा है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको जेली मटेरियल हनी को फीड करते हैं। जो लार्वा सिर्फ हनी को ही खाता है, जो लार्वे को सिर्फ हनी ही प्रोवाइड किया जाता है, जेली मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है एज अ फूड मटेरियल, इट फॉर्म्स क्वीन, वो क्वीन बनती है और एक छत्ते में एक ही क्वीन होती है लाइक दिस। और उस छत्ते में से वो क्वीन कोई कारणवश अगर वो मर जाती है या कुछ हादसा होता है तो वो जो वर्कर्स है, नर्स वर्कर्स और एक लार्वा जो है उसको जेली मटेरियल जो है खिलाते हैं एंड दे प्रोड्यूस अगेन वन क्वीन, एक ही रानी होती है एक छत्ते के अंदर, यू गॉट इट। और बाकी जो फीमेल होती है वी कॉल इट एज अ वर्कर, वो भी डिप्लॉयड नेचर की होती है, डिप्लॉयड ही होती है, वी कॉल इट एज अ वर्कर। उनका काम है सिर्फ काम करना, वर्क करना, जेली मटेरियल हनी को जो है नेक्टर को कलेक्ट करना लाइक दिस। सो फूड डिटरमाइन वेदर ए डिप्लॉयड लार्वा विल बिकम ए फर्टाइल क्वीन, कैसे बनती है फर्टाइल क्वीन, दैट क्वीन फीड ऑन ओनली दैट जेली मटेरियल वी कॉल इट एज अ हनी, वो बनती है क्वीन विच इज अ डिप्लॉयड इन नेचर, दैट क्वीन इट इज अ फीमेल। वर्कर्स कैसे बनते हैं, दैट वर्कर्स दीज वर्कर्स दैट फीमेल, वो भी फीमेल ही है, फीड ऑन पोलन ग्रेन एंड अदर मटेरियल, जो लार्वा पोलन ग्रेन्स, जो लार्वे को पोलन ग्रेन्स और अदर मटेरियल जो है खिलाया जाता है वो वर्कर्स बनते हैं। यानी एक छत्ते में एक ही रानी को बनाया जाता है, बाकी को वर्कर्स बनाया जाता है। टोटली डिपेंड ऑन फूड, फूड डिटरमाइन, यानी दो उसमें जो फीमेल है उसमें से एक को क्वीन बनाया जाता है, दूसरी फीमेल, बहुत सारी फीमेल्स को वर्कर बनाया जाता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फूड इन केस ऑफ दिस हनी बी एंड ड्रोन्स विच आर देयर, दैट ड्रोन्स दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये भी पोलन ग्रेन्स वगैरह उसके ऊपर, पोलन ग्रेन्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं फूड के ऊपर, बट दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें एक क्वीन है, बहुत सारी वर्कर्स है और बहुत सारे लाइक दीज ड्रोन्स आर देयर, क्वीन एंड दैट वर्कर्स दे आर द फीमेल एंड ड्रोन्स दे आर द मेल। नाउ सी हियर, ये क्वीन पूरे छत्ते के ऊपर जो है उसका कंट्रोल होता है। ड्रोन्स का काम है फ्लावर्स को खोजना, नेक्टर को खोजना, और ड्रोन जो है फ्लाइट करते हैं ऐसे और दूर दूर जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर टू इन द सर्च ऑफ दैट नेक्टर। नेक्टर मींस जो फ्लावर्स है, फ्लावर में
जो शुगरी फ्लूइड है, दैट शुगरी फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, फूल जो है वो रिवार्ड्स करते हैं कीटकों को फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, पॉलिनेशन. वो जो शुगरी फ्लूइड है फूलों के अंदर, वी कॉल इट एज अ नेक्टर. ड्रोन उसके सर्च में जाते हैं. अब ड्रोन जो है, एक ड्रोन है, उसके जितने ड्रोन्स है उनमें से एक ड्रोन अगर फ्लाइट करता है, जाता है सर्च के लिए, तो उनके अपने वर्कर्स होते हैं. वो वर्कर्स उसको पूरा घेर के ऐसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ड्रोन जो है फ्लाइट करता है. जैसे ही फ्लाइट करता है ड्रोन, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितने दूर वो फ्लावर्स जब तक दिखते नहीं तब तक ड्रोन उड़ते रहता है. और जैसे ही उनको नीचे फ्लावर दिखते हैं, ड्रोन नीचे आके उस फ्लावर के ऊपर बैठ के वहाँ से नेक्टर को थोड़ा सक करता है, और सक करने के बाद वापस यहाँ जो हैव है उनका, जो मधुमक्खी का छत्ता है, वहाँ आता है. तो जो ड्रोन वापस आ रहा है, उनके वर्कर्स राह देखते रहते हैं इस ड्रोन की. और जैसे ही ड्रोन आता है, ड्रोन सीट लाइक दिस. फॉर एग्जांपल फूल जो है यहाँ प्रेजेंट है, और ये ड्रोन है लाइक दिस वन इज द ड्रोन, और फूल यहाँ है. तो ड्रोन अपना जो जो सर है, वो सर फूल का जो डायरेक्शन है उधर करके खड़ा, जिधर फूल है उधर की तरफ अपना सर करके बैठता है. इसके माउथ में नेक्टर प्रेजेंट है. और सन यहाँ अगर प्रेजेंट है, तो सन यहाँ प्रेजेंट है और ये फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है. इसको 90 डिग्री एंगल में ये अपना जो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्ट जिधर फ्लावर है उस डायरेक्शन में ऐसा बैठता है दिस ड्रोन. एंड हियर वर्कर्स आर देयर, यहाँ वर्कर्स बैठे होते हैं ऐसे लाइक दिस, ये सब वर्कर्स है. एंड दिस ड्रोन देन डांस, ये ड्रोन डांस करता है उनके बीच में इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस 8 के आंकड़े में ये डांस करता है ऐसे लाइक दिस 1 2 फ्लावर इधर है तो इट डांस लाइक दिस 1 राउंड, देन दिस वन 2nd राउंड, देन दिस वन 3rd राउंड, देन दिस वन 4th राउंड. ऐसे 4 बार अगर वो ऐसे डांस करता है ऐसे 8 के आंकड़े में, इसका मतलब 4 किलोमीटर दूर वो फ्लावर्स है. सन यहाँ है, ड्रोन ये दिशा में बैठा है, और फ्लावर इस दिशा में है 90 डिग्री से. उनको पता लग जाता वर्कर्स को, एंड ऑल वर्कर्स देन फ्लाई. और बराबर 4 किलोमीटर जाने के बाद ही वर्कर्स रुकते हैं, वहाँ उनको सब वो फ्लावर्स दिखते हैं. और ड्रोन ने यहाँ जो सीक्रेट किया है उसके माउथ में से, दैट शुगरी मटेरियल जो लाया है ड्रोन, यहाँ नीचे डालता है, और ये वर्कर जो है उसको चखते हैं और फिर फ्लाई करते हैं. और 4 किलोमीटर जाने के बाद उनको फ्लावर्स दिखते हैं वर्कर्स को, और वर्कर्स वहाँ नीचे उतर कर वो जो फ्लावर्स है उसमें से नेक्टर को सक करके वापस आते हैं. और वापस आने के बाद द वर्कर्स विच आर देयर, दिस फीमेल्स विच आर देयर वर्कर, वो उनके माउथ में से जो है वो नेक्टर को सीक्रेट्स करते, जो जेली कॉम है उसमें सीक्रेट्स करते. और व्हेन दे सीक्रेट्स द नेक्टर अलोंग विद दिस नेक्टर, दे सीक्रेट्स देयर सलाइवरी ग्लैंड मटेरियल. उनका सलाइवरी जो ग्लैंड है उसमें से जो उनका जो मटेरियल है सलाइवरी ग्लैंड का, वो भी उसमें सीक्रेट्स करते. और जैसे ही ये मटेरियल बाहर आता है उनके प्रोबोसिस से और एयर के कॉन्टैक्ट में आता है इट गेट कन्वर्ट्स इनटू जेली मटेरियल, वी कॉल इट एज हनी. और वो हनी यहाँ कलेक्ट करते हैं. इन दिस वे दे कलेक्ट द हनी. नाउ सी हियर, दिस क्वीन, इट इज अ डिप्लॉइड फीमेल बी. ये क्वीन जो है ये डिप्लॉइड है, 32 क्रोमोसोम्स है डिप्लॉइड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लाइक दिस. एंड बाय द मियोसिस सेल डिवीजन इट फॉर्म्स अ हैप्लॉइड एग. That haploid egg, that is an unfertilized egg from which these are drone male haploid male progeny formation takes place. ये जो drone है, this one haploid, and that queen by the process of a meiosis cell division, by oogenesis like this, by the process of this meiosis cell division, like this egg formation takes place which is haploid in nature like this. अब ये queen and this one is the drone. Queen diploid in nature, drone haploid in nature. By mitosis, cell division. Queen by meiosis cell division. Drone by mitosis cell division forms 2 equal cell. Mitosis is the equational cell division in which the chromosome number
रिमेन्स एज इट इज. अगर 16 क्रोमोसोम्स है तो यहां 16 आते हैं, ये एक्स्ट्रा 16 आए कहां से? हियर इन द इंटरफेस ऑफ दीज ड्रोन. जब ये स्पर्म्स बनाता है ड्रोन, जब ड्रोन के बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, तो स्पर्म जनरली फॉर्म बाय मियोसिस सेल डिवीजन. बट इन केस ऑफ हनी बी, ड्रोन जो है, ड्रोन के बॉडी में जो स्पर्म्स बनते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन से नहीं बनते, वो माइटोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं. क्यों माइटोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं? क्योंकि ड्रोन ये खुद ही हैप्लॉइड है. सो हियर बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, या 16 क्रोमोसोम है, या वन फेनोमेना टेक्स प्लेस, वी कॉल इट एज अ रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन. यानी 16 क्रोमोसोम है, इसके डुप्लीकेट डबल बनते हैं 32 क्रोमोसोम. आउट ऑफ दिस 32 क्रोमोसोम, हाफ कम्स हियर 16, हाफ कम्स हियर 16, लाइक दिस. इट इज अ, दिस अ व्हाट माइटोसिस इज, द इक्वेशनल सेल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स एज इट इज. 16 है तो 16 यहां होते हैं. अगेन माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, माइटोसिस, एंड अगेन माइटोसिस इज द इक्वेशनल सेल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स एज इट इज. यानी यहां 32 बनेंगे, यहां 32 बनेंगे इन द इंटरफेस. यहां एक जो सेल डिवीजन की फेज है, दैट वी कॉल इट एज इंटरफेस. यहां एक सेल डिवीजन की फेज है माइटोसिस की, वी कॉल इट एज इंटरफेस. यहां रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होगा. 16 क्रोमोसोम्स नंबर है उसके डबल होंगे 32, 16 क्रोमोसोम नंबर है उसके डबल होंगे 32, और फिर यहां आधे आधे होंगे लाइक दिस. मींस ड्रोन्स प्रोड्यूस लाइक दिस, दीज आर स्पर्म्स, और ये स्पर्म्स के अंदर 16 क्रोमोसोम्स है, और ये सब के सब क्रोमोसोम्स में ऑटोसोम्स प्रेजेंट है. देयर इज नो सेक्स क्रोमोसोम, बट जीन्स आर देयर. दैट जीन्स वी कॉल इट एज अ CSD जीन, नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटर्मिनेशन जीन. इनमें कॉम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटर्मिनेशन जीन प्रेजेंट है. लेकिन जो स्पर्म्स बनते हैं, दैट स्पर्म्स दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. इन दिस वे बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, नियम के अनुसार तो मियोसिस सेल डिवीजन से स्पर्म बनते हैं. लेकिन इन केस ऑफ हनी बी, इन केस ऑफ रैब्स, इन केस ऑफ एंट, एंड इन केस ऑफ दीज सॉ फ्लाइज, स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, एंड देयर इज नो सेक्स क्रोमोसोम हियर. एंड हैप्लॉइड, दिस हैप्लॉइड नंबर व्हिच इज प्रेजेंट हियर, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज प्रेजेंट हियर, इट मेंटेन एज इट इज हियर बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, एंड अल्टीमेटली स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब ये जो ड्रोन है, जिसके बॉडी में ये स्पर्म्स बने हैं, वो क्वीन जो है, क्वीन के साथ ऊपर जाते, फ्लाई करते आकाश में, एंड दे मेट विथ ईच अदर. क्वीन मेट विथ दीज अ मेल ड्रोन, एंड मीटिंग टेक्स प्लेस. और मीटिंग होने के बाद में क्वीन नीचे आती है और ड्रोन मर जाता है वहां पे. बट दैट ड्रोन मरने के पहले रिलीज द स्पर्म इनसाइड दैट फीमेल बॉडी, एंड दिस ऑल स्पर्म फर्टिलाइज दिस ऑल एग, हैप्लॉइड एग विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी. 16 एंड दिस 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द वन स्पर्म फर्टिलाइज 16 क्रोमोसोम इन द एग. 16 क्रोमोसोम्स फॉर्म्स 32 क्रोमोसोम्स. जब 32 क्रोमोसोम 16 हैप्लॉइड कम्स हियर डिप्लॉइड, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म्स जायगोट, एंड दिस जायगोट नाउ डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड कन्वर्ट इनटू लार्वा. और ये लार्वा जो है, दे फीड ऑन फूड, विच फूड, पोलन ग्रेन एंड अदर फूड मटेरियल, एंड दे फॉर्म्स वर्कर. वो फीमेल ही होती है लेकिन वो वर्कर बनती है लाइक दिस. सो कोई भी स्पर्म इनके साथ अगर फर्टिलाइज होता है तो 32 फॉर एग्जाम्पल दिस स्पर्म इफ फर्टिलाइज विद दिस ए, अगेन 32 लाइक दिस डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम्स हियर, एंड डिप्लॉइड इट फॉर्म्स वर्कर बी. वहाँ के जो वर्कर बी है, जो नर्स वर्कर्स है, उनको पोलन ग्रेन और उनको दूसरा फूड मटेरियल प्रोवाइड करते, और उससे वर्कर बी जो है वहाँ बनती है. एक ही रानी बनती है जिसको जेली मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बाकी पूरी के पूरी जो फीमेल होती है वो वर्कर बनती है. डिपेंड्स ऑन फीडिंग, डिपेंड्स ऑन दैट फूड. फूड डिटरमाइन करता है कि उसको क्वीन बनाना है या उसको वर्कर बनाना है लाइक दिस. लेकिन बाय चांस समटाइम्स व्हाट हैपन, वन जीन इज देयर, उस जीन्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, दैट जीन वी कॉल इट एज अ CSD. मैं यह लिखता हूं, दैट जीन वी कॉल इट एज अ CSD.
This is a C. C means a complementary. S means a sex. And D means a determine gene. If these are complementary sex a determine gene is a dominant. And two type ke genes hai, one is the dominant, second one is the recessive. Dominant or recessive gene yahan aata hai. Both these genes are present on autosome. Sex chromosome to hai nahi. Ek dominant genes aur ek recessive gene aata hai is worker ke andar. So it becomes a worker female. No doubt. Lekin dono dominant genes agar aate hai, then it becomes a male. Wo male ban jata hai. Aur male banne ke baad mein ye jo worker B hai, उस मेल को यानी दिस जीन्स आर इंपॉर्टेंट विद जीन्स सीएसडी कॉम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटरमिनेशन जीन डोमिनेंट जीन इन द स्पर्म एंड डोमिनेंट जीन इन द एग दोनों अगर यहां आते हैं तो ये मेल बनता है फीमेल नहीं बनता वर्कर ऐसा भी है इनमें लेकिन अगर दोनों डोमिनेंट जीन से यहां गलती से बाय चांस अगर मेल बन भी जाता है तो बाकी की जो वर्कर बी है उसको मार डालती है दे किल दैट मेल अनवांटेड मेल दैट मैकेनिज्म वी कॉल इट एज अ कैनिबलिज्म उसको खा लेती है ऐसे मेल को खा लेती है सो इन केस ऑफ हनी बी इट शोज हैप्लोइड डिप्लोइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन केस ऑफ दिस हनी बी वैप्स एंड एंड दिस सॉफ्टलाइज इट शोज दिस हैप्लोइड डिप्लोइड mechanism of sex determination also known as haplodiploidy this is a complete mechanism get studied by this Johann Desiron a Catholic priest in 1845 तो एक ऐसे टाइप का जो है मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है in which by the process of parthenogenesis from this unfertilized egg which lay by this queen drone formation takes place male bante hai usme male progeny banti hai and from and on the other hand from the fertilized egg that worker formation takes place that worker female formation takes place unfertilized egg se male and fertilized egg se worker and queen formation takes place in case of these honeybee or these wraps and these sawflies means in these organism in the nature sex determined by the number of chromosome and on CSD we call it as the complementary sex determination genes it do not determine by sex chromosome XY or ZW like this it totally determined by the number of chromosome or on that that gene complementary sex determination genes which is present on autosome like this so now we will see there are some organism in which sex determined by environment or by sex determination takes place on temperature now environmental determination of sex there are some organism in which environment play important role in the determination of sex of the progeny sex of their baby in case of these Bonellia it is a marine worm means this worm present in the sea water in the deep sea water swimming larva has no sex when the larvae when the egg hatch larvae comes out and that larvae swim in the water at that time sex differentiation is not there If it settles down alone, it develops into a large 2.5 centimeter female. If this swimming larva settles down alone on any substratum, then it develops into female, and that the size of that female is 2.5 centimeter. Here, environment play important role in the sex determination. And if it is land on or near an existing female, if there is one female and that larva swim and comes and that exist near the female settle near the female a chemical from her the female which is there release the chemical surrounding that larva
and the larva get develops into a teeny 1.3 mm male. Means here environment play important role and male and female formation takes place here. Male live as a parasite in the uterus of the female. मेल जो है वो फीमेल के यूट्रस में रहता है और वो परजीवी जिसको कहते हम वैसा जीवन फीमेल के बॉडी में व्यतीत करता है. हियर मेल एंड फीमेल्स डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट लाइक दिस इन केस ऑफ दीज बोनेरिया. नाउ इन केस ऑफ दीज अमेरिकन एलिगेटर्स नेक्स्ट स्नैपिंग दीज अ टर्टल नेक्स्ट रेड ईयर दीज अ स्लाइडर टर्टल. जूलॉजिकल नेम ऑफ दीज अ रेड ईयर्स स्लाइडर टर्टल इज ट्रेचिवी स्क्रिप्टा. देन अ पेंटेड टर्टल जूलॉजिकल नेम इज दैट इज अ क्राइसिमीज पिक्टा एंड दिस वन दैट इज अ लियोपार्ड जिकोज. यू ब्ली फेसिस दैट इज अ मैक्यूलेनिस. ऑल दीज आर द रेप्टाइल्स. दीज आर टर्टल्स दे आर ड्वेलिंग देयर लाइफ इन सी वॉटर. टॉर्टाइज दे आर स्मॉल इन साइज दे आर प्रेजेंट इन fresh water like this. There is a difference between tortoise and turtle. Turtle, they live in marine water and when they lay their eggs on the seashore, many eggs lay by these turtle and if the temperature is below 28 degree centigrade, which is from such a, if that egg they get temperature 28 degree centigrade, below 28 degree centigrade like this, from such egg a male get hatched. And if the temperature is more, that is a 32 degree centigrade and more like this, from such egg a female turtle get hatched like this. And if the temperature is between 28 to 33 degree centigrade, then from such egg male as well as a female they hatch like this. Here temperature play very important role. If temperature is more, then female formation is there. If temperature is less, male formation is there. If temperature is in between like this at 28 to 33 degree centigrade, then both male and female formation is there. Like this temperature play important role here. In case of these agma also temperature play very important role here. ये सब जो है अंडे है यहाँ पे दिए हुए ऑफ दिस एग्मा. इन 1963 दिस एक्सपेरिमेंट गेट कैरिड आउट. इफ टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई एंड टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो. हियर टेम्परेचर इज वेरी लो एंड हियर टेम्परेचर इज वेरी हाई. देन मेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. इफ टेम्परेचर इज मीडियम लाइक दिस इन दिस रीजन टेम्परेचर इज मीडियम then female formation takes place in case of this agma which is studied in 1966 like this. So in case of such an organism temperature play very important role in the formation of that sex of their progeny.